गाना कैसे लिखते हैं और उसे कंपोज कैसे करते हैं इस पे मैं बात करूँगा म्यूज़िक से जुड़ी हर बात जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और बेल आइकन दबाएं हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए विजिट करें हमारा वेबसाइट यहाँ आपके सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं देखिए गाना लिखने के लिए और कंपोज करने के लिए दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़ा है कुछ ना कुछ म्यूज़िक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कुछ भी बनाने से पहले कोई भी गाना बनाने से पहले म्यूज़िक जानना बहुत ज़रूरी है आप कोई एक चीज़ तो आपको अच्छे से जानना पड़ेगा तब आप एक अच्छा गाना बना सकते हैं आप सिंगर बहुत अच्छे हों आपने सीखा है क्लासिकल अच्छे से या आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप बहुत अच्छा बजाते हैं रिदमिक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट छोड़ के और भी सारे जो है इंस्ट्रूमेंटल जिनसे थोड़ा राग जुड़ा हुआ हो या जिनसे सीखा जा सके कॉर्ड्स पैटर्न हो इस तरीके की अगर चीज़ हो कि वोड पियान अगर आप जानते हो तो थोड़ा लिखना और कंपोज़ करना आसान हो जाता है एक रिदम जो ड्रम बजाते हैं या जो तबला बजाते हैं उनके लिए लिखना और कंपोज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो अब चलते हैं कि कैसे कैसे सोचेंगे हम कैसे लिखेंगे और फिर उसे कंपोज कैसे करेंगे देखिए दो तरह की बातें होती हैं जो तरीका है वो बात करेंगे पहला तरीका है कि चलते चलते जैसे मान लीजिए डेली रूटीन में मैं गाना सीख रहा हूँ रियाज़ कर रहा हूँ आगे बढ़ रहा हूँ पर नए गाने बनाने हैं तो चल रहे हैं कुछ धुन दिमाग में आया ऐसे ही किसी का कॉपी नहीं है वो अच्छा लगा अब क्या करेंगे कि अगर धुन आ गया दिमाग में तो घर आएंगे बैठेंगे कीबोर्ड या हारमोनियम किसी चीज़ पे उस धुन को रियलाइज करेंगे और अच्छे से उसे तैयार करेंगे कि गाने का मुखरा कैसा होगा फर्स्ट स्टेंजा कैसा होगा सेकंड कैसा होगा अंतरा कैसा होगा जैसे गाने में दो पार्ट होते हैं एक गाना का स्टार्टिंग का होता है लाइन फर्स्ट लाइन लें एक जो पैटर्न होता है दो चार लाइन ये स्टार्टिंग उसके बाद कुछ म्यूज़िक बजता है फिर सेकेंड पैटर्न शुरू होता है तो जो फर्स्ट पैटर्न है वो लगभग मिडिल ऑक्टिव के आसपास होता है और सेकेंड पैटर्न है वो थोड़ा हाई जाने की कोशिश करता है जनरली ऐसा ही होता है तो फर्स्ट पैटर्न को बोलते हैं अस्थाई सेकेंड को बोलते हैं अंतरा तो किसी किसी गाने में एक अस्थाई और दो अंतरे होते हैं आजकल बहुत सारे गाने हैं एक अस्थाई और एक अंतरा होता है फिर एक अस्थाई करके गाना ख़त्म कर देते हैं जैसे मैंने जो गाना बनाया प्यार होता है क्या उस गाने में एक अस्थाई है फिर अंतरा है फिर अस्थाई हो के थोड़ा तराना के बोल है, फिर ख़त्म हो गए तो गाने के धुन आए तो गाना का जो धुन शुरू में आता है वो उसे अस्थाई कहते हैं कि अस्थाई एक आया अब उसे सजाइए कि कैसा होगा धुन एक रिदम के अनुसार एक बीट के अनुसार एक ताल के अनुसार वो कैसा होगा जनरली लोग फोर फोर बीट में सोचते हैं वन टू थ्री फोर टह कुछ आया दिमाग में ऐसे करके सोचते हैं लोग धुन बन गया तो अस्थाई हो गया अंतरे का भी धुन लोग सोच लेते हैं कि कैसे होगा फिर ये मान लीजिए आपका धुन बन गया अब इस पर आपको वर्ड्स लिखने हैं वर्ड्स धुन भी जो बनती है वो मूड के अनुसार बनती है कि आप किस टाइप के गाने बनाने चाह रहे हैं उसके अनुसार आपका धुन बनता है फिर आप उसे हारमोनियम पे या कीबोर्ड पे अपना मिलाएंगे नोट्स लिख लेंगे कैसे कैसे बन रहा है उसके बाद अब आपको इस पर वर्ड्स लिखने हैं अब शब्द अच्छा कैसे होगा अच्छा शब्द जो आप मैटर सोच रहे हैं वो और अच्छा कैसे बनेगा इसके लिए आपको कुछ अलग से मेहनत करना पड़ेगा जैसे आपके पास वर्ड्स सेलेक्शन बहुत अच्छे होने चाहिए अगर आप लिख रहे हैं और वर्ड अच्छे नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है वर्ड सिलेक्शन जो है कैसे बनेगा कुछ इस पे बात करते हैं जैसे हिंदी अच्छा आना चाहिए और आप पोइट लोगों को पढ़िए बड़े बड़े जो अकबर इलाहाबादी हैं वसीम वरलबी हैं ग़ज़ल्स जो लिखते हैं पोइट लोग वो सारे हैं बहुत अच्छा अच्छा वेबसाइट है वहाँ से आप पढ़िए कविताएं उर्दू पोइट्री सब कुछ पढ़िए तो वहाँ से बहुत सारे वर्ड आएंगे जो जो अच्छा वर्ड रहता है उसका प्रैक्टिस कीजिए पढ़ते जाइए उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है बस पढ़ते जाइएगा तो पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ड आएंगे शायरी जो होती है शायरी पढ़िए उससे बहुत सारे आपको सजाना कैसे है वर्ड राइम्स कैसे बनेंगे इन सभी चीज़ों को आपको जानने को मिलेगा उसके बाद फिर गाने के शब्द कैसे होंगे फिर आपको बैठाना है उस धुन पर अभी मैं पहला तरीका ही बता रहा हूँ उस धुन पे बैठाइए क्या कौन सा शब्द अच्छा लगेगा कैसे उसके अगले लाइनें होंगी जो और अच्छा लगेगा ये सारी चीज़ें आपको पोइट्री से मिलेंगी वो स्टाइल आपको वहाँ से मिलेगा तो ये हुआ लिखने का तरीका और कंपोज़ का ये पहली बातें हो गई कि पहले आपने धुन सोचा फिर आपने लिख दिया ये हो जाता है और दूसरा तरीका होता है कि पहले आप एक रिदम में पोएम बना लिए लगभग अस्थाई और अंतरा गाने के हिसाब से आपने उस तरीके से पहले शब्द को लिखा शब्द एकदम राइम्स जैसे होने चाहिए जो गाने के होते हैं कुछ ना कुछ तो धुन दिमाग में आता ही है उस थोड़ा पैटर्न बन गया कुछ थोड़ा सा धुन आ गया वो एक बीट बन गया पैटर्न बन गया कि कैसा होगा साइकिल वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर एक साइकिल बन जाता है कि किस तरीके से मेरा राइम्स चलेगा किस तरीके से पोइट चलेगा उस तरीके से आपने सजा दिया उसके बाद उसको फिर कंपोज़ कीजिए हारमोनियम पे बैठ के कीबोर्ड पे बैठ के या गिटार पे बैठ के जिस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट आपको आती है वो करके आप उसको आप कंपोज़ कर सकते हैं फिर आपका गाना तैयार हो जाएगा तो ये दो तरीका होता है पहले धुन आ जाती है फिर उस पर हम लोग वर्ड्स लिखते हैं और दूसरा वर्ड्स है फिर हम लोग कंपोज़ करते हैं जो गज़ल जनरली कंपोज होता है उसके पोइट्री बहुत पहले कई सालों पहले लिखे गए हैं बहुत अच्छा लग रहा है जो थोड़ा रिदम में बैठ रहा है उस पर क्या करते हैं लोग कंपोज करते हैं राग के अनुसार गज़ल को सजाते हैं कि क्या अच्छा लगेगा तो फिर गाना आगे बढ़ता है बॉलीवुड गाने के लिए इतना नहीं सोचना पड़ता वो एक साइकिल बीट साइकिल जो मैंने बताया वन टू थ्री फोर के साइकिल में चलता है आप पहले या तो लिरिक्स लिख लीजिए फिर कंपोज कीजिए नहीं तो पहले कंपोज़ कर लीजिए फिर उसका लिरिक्स लिखिए तो ये बेसिक तरीका है और और कोई दूसरा नहीं है मेरे ख्याल से यही तरीका है अब इसमें आपको आप कितने अच्छे हैं आप कितना अच्छा लिख पा रहे हैं ये आपको खुद सोचना है कंपोजिशन अच्छी तभी होगी जब आप अच्छे से थोड़ा कुछ म्यूज़िक जानते हो सीखे हो नहीं तो फिर दूसरे की कॉपी के तरीक़े से हो जाएगा कि आपके दिमाग में कोई धुन चल रहा था गाने सुन रहे थे उसके अनुसार से आपने बस ऐसे ही कुछ बना दिया थोड़ा उस गाने की धुन थोड़ा उस गाने की धुन ऐसे अपने आप आने लगते हैं क्योंकि अंदर स्टोर जो आप सुने हैं वही है ना उसी का कॉपी आएगा बाहर अगर आपने अच्छे से सीखा है तो आप कुछ नया कर पाएंगे ये वो कंपोजिशन की बात और लिखने की बात तो मैंने बताया कि आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे अच्छे कवियों को तो जाके आप और अच्छा लिख पाएंगे तो ये थी बातें कि लिखना कैसे है लिखना और कंपोज करना में सिमिलरिटी क्या है दोनों को मिला के हम आगे कैसे गाने को बनाने में बढ़ेंगे ये सभी बातें थी और नया गाना बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट जरूर कीजिए अपनी बातें मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मैं कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन फॉलो कीजिए डिस्क्रिप्शन में बहुत सिस्टमेटिक ढंग से प्ले बनाया गया है उसे देखिए और अगर कोई बात हो तो कमेंट कीजिए अपनी पर्सनल चीज़ों को कुछ मुझसे अगर कहनी हो अपनी बात अगर कुछ कहनी हो तो आप फेसबुक पेज पे मैसेज कीजिए मैं हमेशा आपके साथ, साथ हूँ धन्यवाद अगर आप मुझसे पर्सनली गाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं ये क्लास दो तरह से होता है एक वीडियो कॉलिंग के ज़रिए फ़ेस टू फेस सामने बैठकर और दूसरा व्हाट्सएप ऑडियो के जरिए